गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रेमिका। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर। जो अपने बायो का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने एक एक किंगडम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते थे, तो आज अपने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले उन्होंने क्या पढ़ लिया था, एल्गी की कंप्लीट स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शंस, सारी क्लासेस, उनके बारे में उन्होंने स्टडी कर लिया था। आज अपना चैप्टर जो है उसका आगे जो एक किंगडम नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के कुछ बेसिक करेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में अपने आप समझ सकते हैं। देखो क्या होता है, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर मेनली कौन कौन से मेंबर आते हैं, लिवर्स एंड मोसेस। ठीक है, मेनली इसकी दो क्लासेस बोल दो, मेंबर्स बोल दो, ये दो टाइप के मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आगे देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अब अपने को पता है एल्गी था वो सबसे प्रिमिटिव टाइप था, यानी सबसे पहले आया था, उसके बाद आए ब्रायोफाइट्स। अब कुछ उसके बाद में आए हैं एल्गी के बाद में, तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें एडवांस करेक्टर ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में एडवांस करेक्टर क्या थे, ब्रायोफाइट्स जो थे वो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हाउ दे कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों कहा जाता था, बिकॉज कैसे कहा जाता था, बिकॉज एम्फीबियंस की बेसिकली क्या क्वालिटी होती है, ये सॉइल में भी रहते हैं एंड पानी में भी रहते हैं। ठीक है, वाटर में भी रहते हैं। तो ये जो थे ब्रायोफाइट्स, रहते तो ये सॉइल पे थे, मतलब कि अपना मॉइस्चर न्यूट्रिशन वगैरह उसी से लेते थे, बट जब रिप्रोडक्शन का टाइप आता था या रिप्रोडक्शन का टाइम आता था, उस टाइम पे ये प्लांट को जो है पानी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें अपने एक और करेक्टर को देखते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर अपने को रिप्रोडक्शन जो है सेक्शुअल और एसेक्शुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, इसको अपने आगे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें अपने डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, और दोबारा प्लांट बॉडी कैसे बनती है। सो स्टार्ट करते हैं अपने ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आल्गा इंक्लूड लिवर्स, मॉसेस, और कहाँ रहते हैं ये, हिली एरिया के। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को उन्होंने पढ़ लिया, ये ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, और दे डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सो दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ अ प्लांट किंगडम। ठीक है, आगे देखो, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड इन एल्गी, थैलस, प्रोस्टेट। अब इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस स्ट्रेट होती है, इरेक्ट शेप में होती है, सीधी होती है। ठीक है, प्लांट बॉडीज होती है, और आगे जो इनकी प्लांट बॉडी होती है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगी डिटेल में। आगे देखो, दीज आर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, यानी जो इसकी राइजोइड्स होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है डायग्राम में, ये क्या होती है, मल्टी सेलुलर, दीज आर मल्टी सेलुलर टाइप। ठीक है, आगे देखो, ये सेल्स के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है, ये प्लांट बॉडी है, क्या है ये, प्लांट बॉडी, और ये बेसिकली किस टाइप की होती है, हैप्लॉइड इन नेचर। कैसी होती है, हैप्लॉइड इन नेचर, मतलब कि एंड टाइप, कैसी, एंड टाइप। अब देखो अपने को पता है ये भी एंड है और ये भी एंड है, ये क्या दिख रहा है आपको, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये है मेल गैमेटोफाइट। जब एंड और एंड आपस में मिल जाएंगे तो वो दोबारा क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड, और आगे इसमें डिवीजन होगा, उसके बाद में दोबारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिप्लॉइड यानी टू एंड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड यानी कि सिंगल एंड। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर, अब आते हैं अपने स्ट्रक्चर की बात होगी, अब अपने प्लांट बॉडी में देखते हैं रिप्रोडक्शन का टाइप, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट के अलग अलग नेम्स होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको तो एंथ्रीडिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंथ्रीडिया। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोला जाता है, आर्किगोनिया, क्या कहा जाता है, आर्किगोनिया। ठीक है, आगे देखो, दे आर फ्लास्क शेप एंड सिंगल एग, एंथ्रेस आर रिलीज इन वाटर। अब देखो इसका आप रिप्रोडक्शन समझो, इस प्रोसेस में हमने को पता चल गया मेल गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है, फीमेल को क्या कहा जाता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम में, इसको समझ के चलना है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो राइजोइड्स दिख रहे हैं इनके ऊपर आपको एक ग्राउंड स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये क्या होते हैं, जीमा कप, क्या होते हैं ये, जीमा कप। इनका काम क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, क्या काम होता है, ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ब्रायोफाइट्स में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किससे मिलता है, होता है जीमा कप से। तो अपने बेसिकली हम ए सेक्शुअल की बात नहीं कर रहे, अपने आप सेक्शुअल की बात कर रहे हैं। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं,
फीमेल के लिए तो फाइटोस में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? आर्बियोनियम। मेल के लिए एंथ्रेडियम। ठीक है, तो जब एंथ्रेडिया आपको पोर्स दिख रहे हैं, आगे आपने इसको थोड़ा सा जूम करके बनाया, इसके अंदर देखो क्या है, ये जो स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स, ये क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्पर्म्स प्रेजेंट है यहाँ। ठीक है, तो ये स्पर्म यहाँ से निकल गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दिख रही है आपको कुछ, इसके अंदर क्या है बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसके। अब ये स्पर्म जो है ये जाके क्या करेगा, वाटर की हेल्प से फीमेल रिप्रोडक्टिव के रिसेप्टिकल्स में यानी कि यहाँ पे एंटर हो जाएगा इस साइड पे। आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे एंटर होने के बाद ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी दिखेंगे, कैसी, जब ये इसके अंदर चला जाएगा उसके बाद में स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये मेल अंदर एंटर कर गया फीमेल के पास और इसने क्या बना लिया, जायगोट बना लिया, जायगोट आगे किसमें कन्वर्ट हो गया, एग सेल। ठीक है, आगे देखो एग सेल जो है इसने क्या किया, अपना एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो ये जो है धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो है आगे इलांगेट होते गए यानी मेच्योर होना स्टार्ट होगी। जब मेच्योर होगा तो मैंने तुम्हें बताया था ब्रायोफाइट्स में फूड सीटा एंड कैप्सूल तीन पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा सीटा। ठीक है, और फर्दर धीरे धीरे फूड और कैप्सूल की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। आगे देखो इसके अंदर जब ये फूड सीटा एंड कैप्सूल जो तीनों हैं अपने को डायग्राम में कब शो होंगे, जब ये कंप्लीट मैच्योरेशन वाली स्टेज में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मैच्योरेशन वाली स्टेज के अंदर। इसके अंदर देखो सीटा और स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, ये स्पोर्स यहाँ से रप्चर होके बाहर निकल जाएंगे। जब ये बाहर निकल जाएंगे तो धीरे धीरे इंडिविजुअली कंप्लीट डेवलपमेंट करते जाएंगे और ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे। पहले तो ये स्पोर्स में कन्वर्ट होगा जिसके ये राइजोट्स आपको दिख रहे हैं, इसके बाद में लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रही है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर राइजोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, दोबारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी मियोसिस डिवीजन इसमें हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोबारा से ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसी ले लेंगे। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में अपने जो स्ट्रक्चर कंप्लीट डेवलप कर लेंगे, फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड हो जाएंगे। ये था इसका रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें अपने रिप्रोडक्शन के बारे में कोई डाउट नहीं अपने को, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई इसको आप अगर समझोगे तो डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये साथ में आप नोट कर लेना अपनी नोट्स में। आगे देखो रिप्रोडक्शन की बात होगी खत्म, अब अपने आगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अपने को समझ आ गया। अब हम थोड़ी ए सेक्शुअल की बात करते हैं। ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, देखो जीमा तो आपको दिखाई दे रही है एक स्ट्रक्चर, जैसे अपने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपने को पता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको दूसरे की हेल्प नहीं चलनी चाहिए होगी। तो इसके अंदर ये जीमा कब क्या करता है, अलग ही यहाँ से जब ये प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होने के बाद ये क्या करता है, अपनी नई प्लांट बॉडी बना लेता है, कुछ अपनी एक स्ट्रक्चर बना लेता है, नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जीमा कब जो है बेसिकली यूनिट है जिससे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है ब्रायोफाइट्स में कंप्लीट होता है। समझ आ गया सबको, ये था सेक्शुअल और एसेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आगे अपने बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस की। अब ब्रायोफाइट्स जैसे उन्होंने एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी, अब उन्होंने ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना जो इकोनॉमिक कुछ इंपॉर्टेंस इनकी भी होती है, जैसे ये क्या करते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं फूड की तरह काम आते हैं हर्बेशियस एनिमल, जैसे एज अ फूड फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। दूसरा सुनो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ पीट। देखो पीट क्या होता है, पीट को समझो, पीट एक कोल का टाइप भी होता है बट ये वो नहीं है। ये पीट क्या है, इसको अपने क्या बोल देते हैं साथ में, ट्रफ। क्या बोल देते हैं, ट्रफ। इसका मतलब क्या होता है, जो सॉइल होती है एंड ग्रास, सॉइल और ग्रास की दोनों की इकट्ठी जो कवरिंग होती है या बोल दो इकट्ठा जो उसकी लेयर होती है, जो भी मटेरियल होता है रोलअप होके, उसको अपने टर्फ बोलते हैं या पीट बोलते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है फॉसिल्स में, सॉरी वो फ्यूल्स में। किस में यूज़ होता है, फ्यूल्स में। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जगहों पर इसका फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है, तो इसकी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और देखो ये क्या काम करता है, पीट का पता चल गया। एक ही क्या करता है, सॉइल इरोजन रोकने में हेल्प करता है।
ऊपर जब इसकी लेयर होती है तो ये उस टाइम को उसके ऊपर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से अगर एक्सेस में पानी भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, तो ये उसको बहने से रोकता है, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकता है। तो ये कुछ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी। समझ आ गया, तीन के तीन पॉइंट्स हैं, क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखो, अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके मेंबर्स की बात करते हैं, जो उनके अंदर जो मेनली आते हैं कौन, लिवर एंड मसल्स। तो पहले लिवर्स की बात करते हैं, हमें लिवर्स के अंदर देखते हैं, लिवर्स इज यूजुअली कहाँ रहते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं। लिवर्स जो होते हैं बेसिकली मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में रहते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में, ठीक है। इसका जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी कैसे होती है, थैलोइड टाइप, प्लांट बॉडी इस टाइप ऑफ थैलोइड, ठीक है। थैलोइड मतलब कि थैलस शेप, जैसे ये वाली देखी है हमने। आगे देखो, इसके अंदर और क्या होता है, लीफी स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर, अपनों ने देख लिया ना बेसिकली ब्रायोफाइट्स में ए सेक्शुअल भी होता है, सेक्शुअल भी होता है। ए सेक्शुअल में हमने जीमातप के बारे में देखा था, इसमें क्या होता है, ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वो किससे होता है, जीमा से होता है, अपने को पता है, बट बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब अपने को पता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, एक प्लांट बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो था इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल तो अपने को पता चल गया, अब अपने किसकी बात करते हैं, इसमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अंदर इसके ऑर्गन होते हैं वो सेम थैलस के होते हैं या फिर अलग अलग हो जाते हैं, किसमें डिवाइड हो जाते हैं वो, फूड सीटा एंड कैप्सूल में, या तो वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, थैलस में यहाँ पे, या फिर वो क्या करते हैं, फूड सीटा और कैप्सूल जो अलग स्टेज होती है इसकी, अलग स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर डिवाइड होते हैं, मतलब वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था लिवर्स का सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल भी पता चलेगा, सेक्सुअल भी पता चलेगा। अब अपने को पता है ऑब्वियसली बात है, ये डिप्लॉयड, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा तो ये डिप्लॉयड टाइप का होगा, कैसा होगा, डिप्लॉयड। तो फर्दर इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे एन और एम में डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गया, किस में डिवाइड हो जाएगा, एन और एन में। नेक्स्ट समझो, अब अपने बात करते हैं मोसिस की, लिवर्स के बारे में क्लियर है, कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। ब्रायोफाइट्स आप ढंग से पढ़ लेंगे तो लिवर्स और मोसिस उसी के मेंबर है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखो मोसिस, मोसिस के बारे में देखते हैं, मोसिस भी ब्रायोफाइट्स के मेंबर है। ये देखो इसके अंदर जो गैमेटोफाइटिक जो स्टेजेस होती है वो दो स्टेजेस होती है इसके अंदर, यानी कि ये दो स्टेजेस में काम करते हैं। पहली प्रोटोनिमा, कौन सी, प्रोटोनिमा, एंड सेकेंड जो स्टेज होती है इसकी वो लीफी स्टेज होती है। लीफी स्टेज मतलब कि जिसमें अपनों ने ये देखा था कि ब्रायोफाइट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। प्रोटोनिमा अर्ली स्टेज होती स्टार्टिंग में, ठीक है, और सेकेंड स्टेज कौन सी होती है, लीफी स्टेज। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहली स्टेज में क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो डायरेक्टली स्पोर में कन्वर्ट करती है, किसमें कन्वर्ट करती है, स्पोर्स में। प्रोटोनिमा का क्या काम होता है, ये डायरेक्ट स्पोर्स में बनाती है। और आगे जो सेकेंड लीफी स्टेज है ये क्या करती है, इस स्पोर्स को आगे फर्दर डेवलपमेंट करती है, क्या करती है, फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो लीफी स्टेज का भी पता चल गया अपने को। सेकेंड स्टेज जो लीफी होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाती है लेटरल बर्ड से, क्या बनाती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिसको अपने लीफी स्टेज बोल देते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर बियरिंग अरेंज्ड लीव्स। अब ये क्या करती हैं, जब ये फर्दर आगे डेवलपमेंट करती हैं तो कई बार ये क्या होती है, स्पाइरल शेप में हो जाती है, कुछ स्पाइरल शेप में होती है, नीचे सॉइल से अटैच हो जाती है, क्या हो जाती है, सॉइल से अटैच हो जाती है, जिसके बाद ये अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेती है, मॉइस्चर वगैरह लेने लग जाती है, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है मोसिस में किससे प्रेजेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज कौन सी थी, फर्दर जो डेवलपमेंट हुई लीफी स्टेज को, उसको उन्होंने क्या बोला है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब इस स्टेज के अंदर आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरा होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन और दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है इसके अंदर जिससे कंप्लीट होता है अपने देख रहे हैं इसमें बडिंग कौन सी है बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गया प्राइमरी से तो आगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है एसेक्सुअल भी कर सकता है एसेक्सुअल के अंदर आगे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है आगे देखो जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे जो जाइगोट डेवलप होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जब जाइगोट बन जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तब वो आगे अपने फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड कर लेता है स्ट्रक्चर को किस में डिवाइड कर लेता है फूड सीटा एंड कैप्सूल और कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन से एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया और स्फैगेला क्या एग्जाम्पल है इसके फ्यूनेरिया एंड स्फैगेला ठीक है तो ये था अपना ब्रायोफाइट्स मोसिस इसके कंप्लीट हो गए एक मेंबर उन्होंने पढ़ लिया लीवर इससे पहले पढ़ लेगा रिप्रोडक्शन का साइकिल हमने तो समझ आ गया ठीक है तो ये कुछ थे इसके बेसिक करेक्टर जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे नेक्स्ट के लेक्चर में अपने कुछ टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट मेंबर इसके बाद क्या आएगा अपना टेरिडोफाइट तब तक साथ साथ नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो